हाय गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग थोड़ा सा इमोशनल है और थोड़ा स्पेशल भी है, क्योंकि आफ्टर 3 इयर्स मैं ऑफिस जा रही हूँ और मैटरनिटी लीव के बाद पहली बार मैंने सैम को घर छोड़ा है। तो घर पे तो राहुल उसके टेक केयर कर रहे हैं, बट बहुत अजीब लग रहा है उसको छोड़ के ऐसे आना। पर ठीक है, आना तो था ही, ऑफिस है, काम भी, अगर बुलाया तो स्टार्ट करना है। ये अच्छी बात है कि अभी वर्क फ्रॉम होम ही है, बट आज एक मीटिंग है तो बुला लिया। और अब देखो, बीच बीच में बुलाना बुलाते रहेंगे तो फिर जाना भी पड़ेगा। बट यस, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वैसे मैंने पूछ लिया है, खेल रहा है, अभी तक तो रोया नहीं है। और द्वारका से नोएडा आना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। एक्चुअली मैं 10:40 पे वहाँ से निकली थी और अभी ऑलमोस्ट 1:15 बजने वाला है, 2.5 घंटे से ऊपर हो गया है। मैं अभी ओखला बर्ड सेंचुरी पहुँची हूँ, यहाँ से भी मुझे ऑटो लेना है। ऑटो नीचे जाऊँगी, ऑटो लूँगी, उसमें भी मेरे को थोड़ा टाइम लगेगा। सो ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाएंगे, तो 3 घंटे का ट्रैवल है, ये करना पड़ा मुझे द्वारका से नोएडा आने के लिए। सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। अरे ट्रैवलिंग टाइम बच जाता तो काफ़ी अच्छा रहता है, बट बहुत ज़्यादा दूर पड़ा है यार, 3 घंटे। और ऊपर से मेट्रो भी स्लो चल रही थी, पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ थी या क्या था, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, पट आज लग गया है। ऑटो लेते हैं और ऑफिस चलते हैं। तो ये नया लगा है, ये वेलकम टू नोएडा का बोर्ड ना यहाँ पे नया लगा है, मैंने तो अभी फर्स्ट टाइम ही देखा है, पता नहीं कब लगा था। और यहाँ से ऑटो के लिए बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है, क्योंकि HCL के लिए मिलते नहीं है, ऑटो की लाइन्स लगी होती है। MET के ऑटो ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स क्योंकि ज़्यादा होते हैं तो देखते हैं, अभी ऑटो सिंगल लेना पड़ेगा या फिर मिल जाएगा शेयर्ड में। कुछ दिन पहले तो दिल्ली का मौसम बहुत अच्छा था, पर अभी अचानक गर्मी बहुत बढ़ गई है, धूप भी बहुत तेज है और गर्मी भी बहुत लग रही है। मैं आपको दिखाती हूँ ऑटो के लिए कैसे फाइट होती है। सो ये यहाँ पे ऐसे ऑटो, उसके लिए लाइन लगी होती है, पता नहीं HCL के लिए मिलेगा या नहीं। चलो पूछते, वैसे मिल तो जाना चाहिए इस टाइम पर भी, पूछते HCL। हाँ, Gate 4। और यहाँ Gate 4 बोल के मैं बैठ तो गई, फिर बाद में पता लगा ये तो MET जाएगा। इसको इसमें मैंने चेंज किया है, फिर मैंने HCL का दूसरा वाला ऑटो लिया था, अब वैसे भी इसमें आगे की सीट थी, अच्छा हुआ चेंज करना पड़ा। सो 2.5 घंटे से ऊपर का टाइम लग गया यार ऑफिस पहुँचने में, और ऑफिस पहुँच चुकी हूँ मैं। और ये है मेरा ऑफिस, ये Gate 1 है, 4 गेट हैं। सो मेरा जो टावर पड़ता है वो Gate 1 के पास पड़ता है। एक्चुअली गाइस, मेरा ना ID कार्ड खो गया है, हाथों करती पर पता नहीं कहाँ चला गया, तो मुझे उसके लिए टेम्परेरी कार्ड बनवाना पड़ेगा। सो यार, कार्ड बनवाने के लिए पहले मेरे को मेल ड्रॉप करनी पड़ेगी, उसके बाद टेम्परेरी कार्ड मिलेगा। सो इतनी मेल डालने के बाद फाइनली टेम्परेरी ऑफिस कार्ड मिल चुका है। सो दिस इज़ माई ऑफिस, इसमें टोटल 6 टावर्स हैं। मेरा टावर है Tower 2 या 1, यार मैं तो भूल ही गई, 1 या 2 है। सो अभी एक्चुअली फ़िलहाल यार टावर भी याद नहीं आ रहा है मुझे, ये Tower 1 है, मेरा वाला Tower 2 होगा फिर आगे। सो टोटल 6 टावर्स हैं। अच्छा लग रहा है यार आके, बट खाली खाली है, कोई फ्रेंड ही नहीं। सो ऑफिस आके, ऑफिस को देख के तो अच्छा लग रहा है, बट फ़ायदा नहीं है आने का, कोई है नहीं, फ्रेंड्स नहीं है, सारे फ्रेंड्स कंपनी छोड़ के जा चुके हैं, अलग अलग कंपनी में चले गए, मैं ही यहाँ अटकी पड़ी हूँ। तो पुराने फ्रेंड्स तो कोई है नहीं, नए प्रोजेक्ट में नए टीम मेम्बर्स हैं। क्या बात है, यहाँ पर बेंचेस भी लग गई हैं, वरना हम यहाँ बैठा करते थे। तो ये फाउंटेन्स हैं, और रात को ना इनमें लाइट जलती है तो बड़े ही प्यारे लगते हैं, रात में यहाँ पे लाइटिंग्स ऑन हो जाती है ना, और इसमें कलरफुल लाइट जलती है, सुंदर लगता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये धूप में क्यों रखे हुए हैं, ये बैठेगा कौन यहाँ आके। मेरा भी अच्छा खासा बड़ा सा ग्रुप हुआ करता था कभी, सब चले गए। सो मेरा टावर वो वाला है, Tower 2। अब अंदर भी लैपटॉप चेक होगा यार, 36 तरीके तो चीज़ें हैं यहाँ पे, अब फिर से मुझे वो ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी।
और ये बहुत पहले से है यहाँ पे, ये उदास नारी, और ये अब तक है, अब तक उदास है बेचारी। लोग तो दिख रहे हैं वैसे आते जाते हुए, और ये है यहाँ का कैफेटेरिया। कैफेटेरिया यहाँ पे तीन कैफेटेरिया है, हर टावर के अलग अलग है, दो टावर के कंबाइंड है। यहाँ से सिर्फ क्लाइंट्स की एंट्री होती है, हमारी एंट्री नहीं है। सो इधर से है एंट्री गेट टावर टू का। और ये जो आवाज़ आ रही है ना मेरे पैरों की, चू 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 चू, मैक्सिमम लोगों के जूते यहाँ बजते हैं पता नहीं क्यों। और ये हमारे बैठने के लिए कतई नहीं है। है लिफ्ट लॉबी, मुझे तो अपना टावर भी नहीं पता कौन सा है, 3 पे है 2 पे है 2 पे, चल के देखते हैं। तो आ गए हैं अंदर यार। यहाँ पे मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ ना तो लोग मुझे फ्रेशर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं कि मैं नई नई आई हूँ, शक्ल ही लगती है बच्चे जैसी, अच्छी बात है वैसे। दिस इज माय डेस्क। हालत एकदम खराब हो गई है, अभी वॉशरूम जाके थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। सो गाइस अभी भूख लग रही थी तो कैफेटेरिया यार थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो मैंने सोचा कि इधर ब्रेकआउट एरिया में आके लंच कर लो, कैफेटेरिया क्या ही जाओ। तो अभी बनाते हैं कॉफी। मुझे पसंद है कैपेचिनो। ये रही मेरी कॉफ़ी और लंच, लंच करते हैं उसके बाद काम करेंगे। सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5:30 और मैं ले रही हूँ स्नैक टाइम में चाय और ये ब्रेड पकौड़ा। सो गाइस ऑफिस में ना काफ़ी सारे बच्चे आए हुए हैं, तो यहाँ पर क्रैच है, तो ये मदर्स लेके आती है बच्चों को अपने साथ क्रैच में। ये देखो कितनी क्यूट लग रही है चलते। सो गाइज अपना वाला टावर तो मैंने आपको दिखाई दिया था, टावर 1, और ये ऑफिस का दूसरा पार्ट है जिसमें और टावर्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। सो उस साइड तो टावर 1 और टावर 2 थे, ये वाला एरिया बड़ा है, इस तरफ टावर 3, 4, 5 इस तरीके के हैं। मदर्स डे इवेंट था यहाँ पर, तो देखो बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं इवेंट पे, उन्हें गिफ्ट्स भी मिले हैं।
इधर है मेरे ऑफिस का क्रेच, इसमें छोटे छोटे से बच्चे आते हैं। जो मदर्स वर्किंग है और बच्चों को देखने के लिए कोई है नहीं, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी भी है। क्ले कॉर्पोरेट डे केयर सेंटर, मैं दिखाती हूँ, कोई बच्चा दिखेगा तो। ये बच्चे आते हैं ना यहाँ, मिरर में शैतानी करते हैं और हेलो हाय बोलते हैं ऐसे। ये अंदर से कुछ इस तरीके का है, काफ़ी बड़ा है। बच्चों के टॉयज भी रखे हैं। अभी फ़िलहाल कोई नहीं है यहाँ पे, शायद सब जा चुके हैं या फिर बंद है, अभी बात करनी पड़ेगी। और ये है ऑफिस की बैक साइड, जहाँ पर कैब्स खड़ी होती हैं। यहाँ से कैब्स मिलती हैं, जिनको भी अलॉट होती है कैब्स, उन लोगों को। तो दिस इज़ हेल्थ केयर सेंटर, यहाँ पे फुल बॉडी चेकअप और कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो ये हेल्थ केयर सेंटर ओपन है यहाँ पे। सो दिस इज़ द योगा रूम, यहाँ पे योगा भी सिखाया जाता है, वो भी बिल्कुल फ्री में, मुफ्त है। यहाँ पे योगा क्लासेस होती हैं। और ये है जिम एरिया, तो यहाँ पर जिम भी है, वो भी बिल्कुल मुफ्त है। पर जिम आने के लिए यार कपड़े चाहिए होते हैं, और शायद फिलहाल अभी ये बंद है। क्रैश तो नीचे था पहले, इधर उधर वो दूसरा था ना किले वाला। अच्छा इधर भी है। सो यही है, बच्चों को क्रैच मिलाने की कुछ इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइंस भी थी जो कि मैंने कैप्चर कर ली। सो गाइज, ये फाउंटेन एरिया है, इसमें ना लाइट्स चलती हैं रात को और फाउंटेन भी चलते हैं, अभी बंद किया हुआ है। बहुत खूबसूरत लगता है इधर आके, रात को वॉक करो ना या फिर बैठ जाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत ही सुकून मिलता है। आई थिंक ये बच्चा गिर गया था पानी में, पूरा भीग गया है। सो टाइम हो चुका है और 6:30 बज चुके हैं, इट्स टाइम टू लीव। अब देखते हैं पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, और जाने की बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बस जाऊँ और सैम से मिलूँ लेके। भीड़ देख रहे हो मेट्रो में, फाइनली गाइज ही इज विद मी।